योगी आदित्यनाथ की सरकार में एसिड अटैक पीड़िताओं द्वारा चलाए जा रहे सीरोज को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि एसिड पीड़िताओं की आत्मनिर्भरता के लिए लखनऊ में चल रहा सीरोज हैंग आउट बंद नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों द्वारा सीरोज बंद करने के लिए 22 अक्टूबर आखिरी तारीख का लेटर भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहती हैं सीरोज की एसिड पीड़ित महिलाएँ। हम लोगों ने 2016 में सीरोज लखनऊ में ओपनिंग किया था और आज तो मतलब कि हम लोगों का 2 साल का टेंडर हुआ था और महिला कल्याण निगम के साथ हम लोगों का पार्टनरशिप में काम चल रहा था और आज जो है कि 26 सितंबर को जो है महिला कल्याण निगम की तरफ से हम लोगों को एक नोटिस जारी किया गया कि सीरोज को बंद कर दिया जाएगा और उन्होंने हमें 3 दिन का ही टाइम दिया था। और जब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था तो हम लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट। कोर्ट की तरफ से हमें तीन हफ्ते का स्टे मिला है और कोर्ट ने हमारी बहुत मदद की है। सरम, ये क्या मामला है? आप लोग से कोई मंत्री या कोई सरकार का मामला मिलने नहीं आया या पूरी बात जानने के लिए नहीं आया? हाँ, मतलब योगी जी के साइड से अभी तक कोई नहीं आया है, बीजेपी की सरकार से। पर हमारे वैसे तो काफ़ी लोग आ चुके हैं, यहाँ अखिलेश जी भी आ चुके हैं और राज गब्बर जी भी आ चुके हैं, बट अभी तक योगी जी की सरकार से कोई नहीं आया ताकि हम अपनी उनसे मांग रख पाएँ। और हमें, हमारी मांग क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सिरोज गवर्नमेंट हो और अगर वो गवर्नमेंट नहीं करते हैं तो हमको सरकारी जॉब दे। और रीता भोगना जोशी जी जो है बहुत बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ, क्योंकि मैं स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेनर हूँ और हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले एक नोटिस प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें लिखा है कि सिरोज कैफे बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें एक तरफ वो उन्होंने लिखा है कि 22 अक्टूबर को उनको सारा सामान सौंप दिया जाएगा। तो वो मतलब कि ये सब मीडिया को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है और हमारा कैंपेन जो हम चला रहे हैं उसको कमज़ोर करने के लिए कह रहे हैं। और रीता भोगड़े जी बहुत बड़ा गेम खेल रही है हम लोगों के साथ जी, जैसे अभी आप हमारी बहनों से जो अभी आपने सुना है, क्योंकि हम अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सिरोज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो हमारे साथ खेल खेल रही है, मतलब एक छोटे बच्चों की तरह हम लोग के साथ खेल खेल रही है। और हम लोग का अब एक मुद्दा रह गया है कि हमें सिर्फ अगर सरकार हमें गवर्नमेंट जॉब दे और हमारे कैफ़े को, अगर हमें गवर्नमेंट नहीं जो कर रही है तो कैफ़े को गवर्नमेंट कर दे। ये हस्ताक्षर चलाओ अभियान जो आप लोगों का है, ये मतलब इसे आप लोग सरकार को ये संदेश देना चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प करिए? हम लोग इसलिए ये किया है, हम लोग दिखाना चाहते कि इतने लोग हमारे सपोर्ट में हैं। हम लोगों ने एक ऑनलाइन पिटीशन भी की जिसमें कि 30,000 से ज़्यादा लोगों ने वो साइन किया है और उससे ये पता चलता है कि इतने लोग सिरोज के साथ खड़े हैं और इतनी मतलब कि, क्योंकि सिरोज हमारा ही नहीं आप सबका है, पूरे लखनऊ का है, पूरे देश का सिरोज है, सिर्फ हमारी नहीं आप लोगों की उम्मीद है। और उन लोगों ने कुछ सोच के ही वो पिटीशन साइन किया होगा। सिरोज में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ खाने पीने के लिए क्या क्या मिलता है? हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे रखा है और सुविधा के साथ हमारा प्यार जो लोगों को प्रभावित करता है सबसे बड़ा तो वो है, जो लोग आते हैं मतलब कि जब गेस्ट आते हैं तो जब फर्स्ट टाइम गेस्ट आता है उसको मतलब कि उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको कन्फ्रेंस करना बहुत मुश्किल होता है और मतलब कि उसको बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम लोग जो हैं अपने उनके दिलों में अपने लिए प्यार बनाते हैं जिससे कि वो मतलब कि फिर कभी सिरोज को नहीं भूलते हैं। आता गेस्ट खाली आता है लेकिन यहाँ से प्यार इतना लेके जाता है।